लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सहारा इंडिया कंपनी में जमा पूंजी निवेश करने वाले छोटे व मध्यम वर्ग के जमाकर्ता राजधानी पहुंचे। उनका कहना है, करोड़ों रुपए अलग अलग योजनाओं में जमा करवाने के बाद जमाकर्ताओं को परिपक्वता तिथि पर भुगतान नहीं किया जा रहा। शाखा कार्यालय में भुगतान के लिए जाने पर शाखा प्रमुखों व स्टाफ के द्वारा भुगतान न देकर एजेंटों को जमाकर्ताओं के भुगतान नया व्यवसाय कर कहने को कहा जाता है। इसकी वजह से कई जमाकर्ताओं का भुगतान रुका हुआ है। पीड़ित जमाकर्ताओं ने शासन से गुहार लगाई है, उनके जमा राशि का भुगतान जल्द कराया जाए। ऐसा नहीं होने पर वे सड़क की लड़ाई लड़ने बाध्य होंगे। 5 जिलों से राजधानी पहुंचे भुक्त भोगियों ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता में अपनी व्यथा बताई। चिचोला जिला राजनांदगांव के पूना राम सिन्हा, इंद्र आचार्य, विनय सिंह राजपूत, ओमकार नाथ ने बताया कि जमा की गई राशि के परिपक्वता तारीख के 3 साल बीतने के बाद भी उन्हें जमा कराई गई रकम वापस नहीं मिली। आज हम लोग आपके प्रेस क्लब में आप लोगों के माध्यम से हम पूरे छत्तीसगढ़ की आम जनता का आवाज़ उठाना चाहते हैं, जो सहारा इंडिया से पीड़ित हैं। आज हम लोग 5 जिले से यहाँ उपस्थित हुए हैं और लगभग यहाँ सारे अभिकर्ता ही हैं, एजेंट हैं, जो सहारा इंडिया में काम करते थे, जो आज के समय में काम नहीं कर रहे हैं। 2-4 फ्रेंचाइजी मैनेजर भी हैं जो आज अपने कार्यालय को से इस्तीफा दे चुके हैं और सबका एक ही चीज़ है कि सबका पेमेंट बाकी है। आज यहाँ जो भी आपके सामने उपस्थित हैं हमारे सभी साथी, सब 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ के मालिक हैं, यानी कि इनको जमाकर्ताओं का 4 करोड़ का भुगतान देना है, 5 करोड़ का भुगतान देना है। कोई भी ऐसा नहीं है जो 1 करोड़ से नीचे का यहाँ बंदा हो। तो आप इसे समझ सकते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में स्थिति क्या होगी। हम लोगों ने पूरे सर्च किया है तो लगभग 5,000 करोड़ पूरे छत्तीसगढ़ के जनता का यहाँ पैसा बाकी है और जो सालों से बाकी है। हम 2012 से पीड़ित हैं, जब सहारा से भी केस चालू हुआ था, उस समय से री इन्वेस्ट पेपर बदल बदल के आज हम 2021 में आ गए हैं, लेकिन हम जमाकर्ताओं का अभी तक पेमेंट नहीं करा पा रहे हैं। आज पूरे 5,000 ब्रांच पूरे भारत भर में चल रही है, छत्तीसगढ़ में भी लगभग 125 ब्रांच चल रहे हैं, सब में काम हो रहा है, लेन देन चालू है, मगर सहारा इंडिया ने सारे लोगों को, प्रेस को, नेताओं को, अपने सारे प्रशासन को ये कह के रखा है कि हमारे ऊपर सहारा सेवी का केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस है, इसलिए हम भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। मगर आज भी सभी जगहों पर भुगतान हो रहा है, लोगों से पैसा मार्केट से मंगवाया जा रहा है अपने जमा कार्यकर्ताओं के माध्यम से और ये पैसा ऊपर तक जाता है और सारे अपने चहेते लोगों का पेमेंट हो रहा है। बाकी जो काम छोड़ चुके हैं या 2-4 साल से जिनका पेमेंट नहीं हो रहा है, आप लोग सहयोग करेंगे तो जरूर पेमेंट होगा। हम सारे जगहों पे जा चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी गए थे और सारे हमारे प्रशासन के आला अधिकारी हैं उनके पास भी, रायपुर, दुर्ग, जहाँ जहाँ हमारे कलेक्टर साहब हैं। आगे हम लोग का यही रहेगा कि अगर हमको इस समस्या से जल्द नहीं मिला तो हम रोड में आएंगे, हम आंदोलन करेंगे और हम अपनी बातों को प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने का भरसक प्रयास करेंगे। मेरा नाम विजेंद्र कुमार पांडे है, मैं भिलाई 3 से हूँ।